सवाल करने जा रहे हैं चैप्टर 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट एवरी नॉर्मल टू द स्फीयर पास थ्रू द सेंटर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमने पहले फाइंड करनी है और उसको सेंटर में से पास करवाना है। अगर वो सेंटर में से पास करवाने के बाद एक जैसी वैल्यूज आए तो जो हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि जो हर नॉर्मल स्फीयर के ऊपर होता है वो सेंटर में से पास करता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, जैसे हम सपोज कर लेंगे लेट पी नॉट इंटू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट बी द पॉइंट ऑन द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास जो जनरल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एच वाई टू एच जेड टू एफ वाई टू एच जेड प्लस सी इक्वल टू, आप वो भी दे सकते हैं उसकी जगह पर हमने ये कंसिडर कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच वाई प्लस एल जेड प्लस के इज इक्वल टू जीरो। और सेंटर जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे माइनस जी ओवर टू माइनस एच ओवर टू माइनस एल ओवर टू। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, उसके लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो हमने सबसे पहले तो जो सरफेस सपोज की है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे डेरिवेटिव लेके, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स एक्स के लिए यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा, ये भी जीरो ये भी टर्म जीरो, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी जिसमें एक्स है ये वाली टर्म आ जाएगी और जी एक्स का तो वन हो जाएगा जी साथ इस तरह आ जाएगा। और इसकी पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हमारे पास है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो एक्स नॉट की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स नॉट आ जाएगा। सिमिलरली एफ वाई जो है वो निकालना पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिए यहाँ से टू वाई आ जाएगा, इसका वाई स्क्वायर का बक्सा ही टर्म जीरो और एक ही जो टर्म है वाई वाली इसका जो है वाई का वन आ जाएगा और साथ एच आ जाएगी। इस तरह जो है वो इसके पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और एफ जेड एट पी नॉट जो है इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द स्फीयर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है पॉइंट पी नॉट पे, फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एफ एक्स एट पी नॉट, वाई माइनस वाई नॉट ओवर एफ वाई एट पी नॉट, जेड माइनस जेड नॉट ओवर एफ जेड एट पी नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एट पी नॉट हमने वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एफ वाई एट पी नॉट की भी और एफ जेड एट पी नॉट की भी वैल्यूज पुट कर दी है। हमारे पास जो है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, तो इसमें मैंने बताया था कि इसको हमने सेंटर में से पास करवाना है, सारी वैल्यूज बराबर आनी चाहिए तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सेंटर के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास है माइनस जी ओवर टू माइनस एच ओवर टू माइनस एल ओवर टू। तो इसमें हम क्या करेंगे एक्स वाई और जेड की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमने जो सेंटर के पॉइंट्स रखे हैं इसमें ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है एक्स वाई और जेड की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की जगह पे नहीं, क्योंकि ये स्फीयर के पॉइंट्स हैं सेंटर के पॉइंट्स नहीं हैं। तो सेंटर के पॉइंट्स हमारे पास ही हैं एक्स वाई जेड की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में से अगर ऊपर वाली टर्म में से अगर हम माइनस वन ओवर टू कॉमा ले लें तो माइनस वन ओवर टू जब जी के साथ से कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ जी पॉजिटिव रह जाएगा, ये भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे टू है वहाँ से तो कॉमन आ जाएगा और बाकी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से भी हम इस तरह करेंगे माइनस वन ओवर टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एच प्लस टू वाई नॉट रह जाएगा और जहाँ जब हम यहाँ से लेंगे माइनस वन ओवर टू कॉमन तो सिर्फ एल और ब्रैकेट में जो है वो टू जेड नॉट वैल्यू रह जाएगी, ये हमारे पास जो है इस तरह वैल्यूज आ जाएगी। तो माइनस वन नंबर टू माइनस वन नंबर टू माइनस वन नंबर टू सब में जो है वो जब हम कॉमन ले लिया उसके बाद जो है ये वैल्यू हमारे पास ऊपर और नीचे सेम सेम वैल्यूज आ गई, जी प्लस टू एक्स नॉट या टू एक्स नॉट प्लस जी ए की बात है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तीनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो इसमें हमारे पास अगर बराबर आ जाती हैं तो जो सेंटर के पॉइंट्स हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसे क्या बनाता है कि नॉर्मल थ्रू एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर पास थ्रू इट सेंटर, के जो भी पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन जो है उसमें से हम लेते हैं वो सेंटर में से पास करता है। इसी का ही जो है कन्वर्स नेक्स्ट प्रूव करना है। अब कन्वर्स में क्या होगा कि हर एक लाइन जो पास करती है सेंटर में से वो उस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल होती है। तो हमने एक जो लाइन है वो सेंटर में से पास करवानी है उसकी हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और वो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो अगर नॉर्मल इक्वेशन की डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होंगे तो ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हमने एक स्फीयर जो है इसकी इक्वेशन सपोज कर ली है, सेंटर इसका हमारे पास अगेन वही होगा माइनस यू टू माइनस एच टू माइनस एल टू, ये जो है एक हम पॉइंट ले लेते हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो है हमने पॉइंट लिया है एक पी और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वन वाई वन जेड वन बी, अ पॉइंट वेयर लाइन पास थ्रू सी इंटरसेक्ट द सरफेस, सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है ये जो इस पॉइंट के ऊपर सी से पी तक का फासला है। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पी सी निकाली एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं सेंटर के ये एक्स टू वाई टू और जेड टू हैं, तो यहाँ पे हमने जो है वो एक्स टू वाई टू और जेड टू की वैल्यूज पुट कर देनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जब निकालने के लिए, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स टू वाई टू और जेड टू की जगह पे और इनमें से हम नीचे वाले टर्म्स में से माइनस वन नंबर टू कॉमन ले लेंगे, माइनस वन नंबर टू कॉमन लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, टू इसके साथ आ जाएगा और टू यहाँ से तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ जी रह जाएगा। इसी तरह इसमें से माइनस वन नंबर टू कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले इस टर्म में से भी माइनस वन नंबर टू कॉमन ले लेंगे।
क्योंकि माइनस वन ओवर टू सब में से ही आ रहा है तो वो सब में से एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमारे पास जो भी इक्वेशन आती है इसके नीचे जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, या हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन, इसको हम वन का नाम दे देंगे। डायरेक्शन रेशियोज लाइन वन आ रहा है, अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज की हमने वैल्यूज लिखनी है। अब हमने जो स्फीयर की इक्वेशन कंसिडर की हुई है इसकी हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे और इसकी पॉइंट पे वैल्यूज चेक करेंगे। जब पॉइंट के ऊपर वैल्यूज चेक करते हैं तो हमारे पास इन डेरिवेटिव्स निकालने के बाद, जिस तरह एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है तो टू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, बाकी वैल्यू ये भी जीरो ये भी जीरो, इसमें जी एक्स है तो एक्स का वन हो जाएगा बाकी जी आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगे। और पॉइंट पे जब वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन जेड वन, तो एक्स की जगह एक्स वन पुट कर देना, वाई की जगह वाई वन और जेड की जगह पे जेड वन पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास यही हमने वैल्यूज नीचे डिवाइड करनी होती है, एफ एक्स एट पी नॉट जो भी पॉइंट गिवन होता है। यहाँ पे अगर पॉइंट पी है तो हम एफ एक्स एट पी लिखेंगे, वाई ओवर पी इंटू पी एफ जेड एट पी, यानी इन वैल्यूज से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसको डिवाइड करना है, जो कि नीचे वैल्यूज डिवाइड करनी होती है। तो ये जो सारी हमारे पास वैल्यू है भी डायरेक्शन रेशियोज की, यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल लाइन एट पी आर। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली ये हमारे पास वैल्यू आ गई टू एक्स वन प्लस जी टू वाई वन प्लस एच टू जेड वन प्लस एल। अगर हम देखें हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन वन की, जो हमने इक्वेशन ऑफ पी सी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे वो, और ये हमारे पास नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये बिल्कुल बराबर है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जो हमारे पास नॉर्मल लाइन एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू सी, सी पॉइंट में से जो लाइन पास कर रही है वो जो उसके डायरेक्शन रेशियोज आते हैं वो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के बराबर हैं। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एवरी लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर इज नॉर्मल टू द स्फीयर।